गया तो मिट्टी में मिला देंगे। माफिया तीख अहमद का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। यूपीएसटीएफ ने झांसी में अतीक के बेटे का एनकाउंटर किया। झांसी एनकाउंटर में मारे गए उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी और माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद आज मिट्टी में मिल गया। प्रयागराज के कसरी मसरी कब्रिस्तान में अतीक के बेटे असद को दफना दिया गया, लेकिन माफिया अतीक अहमद बेटे असद को कंधा नहीं दे पाया। माफिया अतीक अहमद, अशरफ और अतीक का दूसरा बेटा अली तीनों असद के जनाजे में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और उससे पहले ही असद को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। अतीक बेटे के जनाजे को कंधा देने के लिए पुलिस से मिन्नतें कर रहा था। वो कैसे भी आखिरी बार अपने बेटे असद का चेहरा देखना चाहता था, लेकिन अतीक को वो भी नसीब नहीं हुआ। लॉकअप में अतीक ने गुजारिश की कि मोबाइल से ही दफनाते हुए उसके बेटे असद को उसे दिखा दो, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी। माफिया अतीक रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन योगी ने अतीक को ऐसा रुलाया कि आखिरी बार वीडियो कॉल पर वो बेटे का चेहरा नहीं देख पाया। अतीक पुलिस कस्टडी में बेटे के जनाजे में शामिल होने और आखिरी बार उसका चेहरा देखने के लिए थाने में गिड़गिड़ाता रहा। बीच बीच में भावुक होकर रोते हुए वो पुलिस वालों से मिन्नतें करता रहा। पुलिस वालों ने जब ये कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते, इस बारे में कोर्ट ही आदेश दे सकती है, तो अतीक अहमद बोला, मैं दुनिया का सबसे बदनसीब बाप, मैं ही अपने बेटे की मौत की वजह बना हूँ। अब अपने जवान बेटे के जनाजे को कंधा भी नहीं दे पा रहा हूँ। आखिरी बार उसकी सूरत देखने को तरस रहा हूँ। ये अतीक को योगी का करारा जवाब है। सीएम योगी ने माफिया अतीक की हेकड़ी निकाल दी। अतीक का हाल अब ऐसा हो गया है कि वो योगी राज में गिड़गिड़ाने लगा है। योगी ने कहा था वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहता है इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अभी तो अतीक का बेटा असद मिट्टी में मिला है। योगी का एक्शन ऐसे ही जारी रहा तो जल्द ही यूपी में सारे माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे। टाइम्स ऑन अ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।